बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शर्ट और स्लीव के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, फ्रंट इसका हैवी लुक में है, बैक और स्लीव लाइट में है, और ये प्लेन कपड़ा जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये शर्ट की साइड से जो उतारा है ये हम बॉर्डर के लिए यूज़ करेंगे। ये डबल पट्टी है जिससे बॉर्डर दामन का और स्लीव का आराम से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहला हमने क्रीज बैठानी है इस शेप में पिनटेक्स की, और फिर 2 इंच के गैप के साथ दूसरी हम बैठाएंगे। आयरन करके जब आप इनकी क्रीज कर लेते हैं तो वो काम ज़रा आपका जल्दी हो जाता है। चौक की निस्बत आप क्रीज पर इसकी करेंगे, पिनटेक्स की क्रीज बैठाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। ये लेस हमने दो पिनटेक्स के दरमियान में ये लेस हमने अप्लाई करनी है, और ब्लैक लेस हमने बॉर्डर के किनारे की फिनिशिंग के लिए अप्लाई करेंगे। कैरेट कलर की जो लेस है ये हमने टिशू के साथ इसके जो खूबसूरती के लिए टिशू के साथ अप्लाई करेंगे। टिशू मैंने चेंज कर लिया है, और जो ऑफ वाइट कपड़ा है ये मेरा 4 इंच का है, इसी में हमारी स्टिचिंग का जो है वो भी रखा है, गुंजाइश रखी है। ये टसल हैं 3 जो नेकलाइन पे यूज़ किए जाएंगे। जस्ट आपके साथ मैंने एक बॉर्डर का जो है वही शेयर करूँगी, और बिल्कुल किनारे की सिलाई वाले जो पिनटेक्स है वो हमने डालने हैं। एम्ब्रॉयडरी शर्ट जो होती है ना उनके साथ जो कपड़ा जो होता है वो अच्छा खासा प्लेन होता है, उसी को अगर आप बॉर्डर के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। शलवार या ट्राउज़र का जो कपड़ा होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि ये हमने शर्ट के ऊपर अप्लाई करना है, हमने बढ़ा के नहीं लगाना। अच्छा, ये हमने पिनटेक्स डालनी है प्रेस करके इसको अच्छी तरह। अब मैं इन दो पिनटेक्स के दरमियान में आप मार्किंग कर रही हूँ जस्ट ये बताने के लिए कि जो बिगनर्स हैं वो मार्किंग कर लें, जो जिनका थोड़ा सा हाथ सेट है तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो लगाते हुए पता चल जाता है कि आपका कितना गैप दोनों साइडों पे आ रहा है। नेट को मैंने रिमूव नहीं किया ना, मैंने इसको कार्बन का भी किया है, मैंने उसको उस फोल्ड करके तो सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको काविया करती तो मुझे डाउट था कहीं इसके जो किनारे के सितारे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो इसकी खूबसूरती ना ख़राब हो जाए। मैंने तो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसी तरह अगला बॉर्डर इसके साथ रख के सिलाई लगा के तो फिर इसको काट लें, नहीं तो आपने इसकी लेंथ लेके पट्टियाँ काट लें और फिर वो इसको आराम से जल्दी जल्दी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने बॉर्डर टिशू का लगाना है। सबसे पहले टिशू को जब अप्लाई करना है आपने शर्ट को उल्टा रखना है मशीन के, और उसके ऊपर आपने बॉर्डर जो इसका उतारा था टिशू का और जो लेस है ये आपने सीधी साइड रखनी है। शर्ट का दामन उल्टा रखना है, टिशू और जो लेस है वो आपने सीधी रख के, और जितना आपने सिलाई में इसका मार्जिन आपने रखना है उसके बिल्कुल ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। उससे ये होगा कि आपने जब इसके ऊपर कपड़े का बॉर्डर लगाएंगे ना तो बड़ी इजीली आपसे लग जाएगा। अब ये हमारे पास जो बॉर्डर था वो मैं प्रेस करके इसकी जो सिलाई में हमने कपड़ा दबाना था उसको भी मैंने प्रेस करके तो क्रीज उसकी भी बढ़ा दी है। अच्छा, जब आपने ये बॉर्डर लगाना है तो ये भी एक मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने ये बॉर्डर लगाना है तो कोशिश करें शर्ट को अपने राइट साइड पे, बॉर्डर अपने लेफ्ट साइड पे रखें, क्योंकि राइट साइड से जो बखिया होता है ना वो बिल्कुल ठीक नज़र आता है, और सिलाई के उतरने, बॉर्डर से उतरने के जो चांसेस होते हैं ना वो ना होने के बराबर होते हैं। अगर आप इसको शर्ट को अपने लेफ्ट साइड पे रख के लगाएंगे तो उसमें अक्सर आपका जो बखिया उतरने का चांस होता है। अब ये हमारी लग गई है एक साइड बॉर्डर की, जो दूसरी है आपने शर्ट को सीधा करें
और उसके ऊपर आपने इसको रख के तो सिलाई लगा दें, और इतना खूबसूरत आपका, यानी कि आपको बढ़ा के लगाने में नीचे कपड़ा, फिर इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो गेम पे आपको मैं दिखाती हूँ कि टिश्यू और इसके जितने भी किनारे हैं, पेंटिक्स की सिलाइए हैं, वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अब बिल्कुल इसके साथ हमने ब्लैक लेस को भी अप्लाई करना है। ब्लैक लेस के भी मैंने नेट रिमूव नहीं की, और इसको मैंने बॉर्डर के अंदर इसकी नेट में करके सिलाई लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये पायदार लेस नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कहीं ये जल्दी ही रिमूव ना हो जाए, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है तो ये उसके हिसाब से सूटेबल लेस नहीं थी, इसलिए मैंने इसको पहले वाली साइड पे निकाल के जस्ट उसके साथ रख के सिलाई लगाई है। दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने नेट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। आपकी इस तमाम बॉर्डर के नीचे आपकी शर्ट का एक अपना कपड़ा है, आपका आपको कोई ऐसा साथ में कपड़ा रख के बढ़ा के कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास कपड़ा हो और अपने अपना टाइम भी सेव करना हो और इसको खूबसूरत भी अपने कर दिखाना हो, तो आप इस तरह बॉर्डर बना के लगाएं। ये हमारा बॉर्डर तैयार हो चुका है। दूर से ब्लैक लेस तो ऐसी लग रही है जैसे कि अटैच लेस होती है ना, बिल्कुल वही लुक आपको देगी। शर्ट मैंने गला बिल्कुल आप नेकलाइन और आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि सिंपल है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था नहीं खास के जो वीडियो में मैं ऐड करती, और इसके जो गले में जो मोल्डिंग जो मैंने ऐड किए हैं वो भी मोस्टली लोगों को आते हैं। और ब्लैक लेस जो है मैंने जब नेकलाइन पे लगाई है तो नेट को रिमूव करके तो फिर मैंने उसको लगाया, क्योंकि स्ट्रेट जो चीज़ होती है वो कभी भी मुड़ती नहीं है, कर्व शेप में लाने के लिए मुझे फिर नेट को रिमूव करना पड़ा। अभी आप देखें कि आपके टिश्यू के किनारे ना आपके पिंटेक की सिलाइयाँ, कुछ भी आपका और बैक साइड से नज़र नहीं आएगा। टसल भी लगा चुकी हूँ और नेकलाइन के साथ वाइट लेस इसलिए मैंने लगाई क्योंकि ब्लैक लेस जितनी मुझे प्रोवाइड की गई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। समटाइम्स हो जाता है, आप जितनी चीज़ ख़रीदते हैं वो बाज़ूकात कम भी पड़ जाती है। अच्छा ये देखिए, ये आपका सारा बॉर्डर जो ऊपर आपने अप्लाई किया, अब नीचे से सिर्फ आपका शर्ट है और दो सिलाइयाँ आपकी जो ब्लैक लेस की और बॉर्डर की एक लेस सिलाई, बस ये तीन सिलाइयाँ आपकी नज़र आ रही हैं। ट्राउज़र पे बिल्कुल सेम अटैच लेस और उसके नीचे कपड़ा ज़रूर लगाया है ताकि नमाज जब वो पढ़े तो आराम से सुकून से पढ़ सके वो, यानी कि ट्राउज़र को चेंज करना पड़े। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी लेस लगी हुई है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।